और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बाबा साहब ने वो बुक का वो प्रस्थान किया था ना, और संगीत तो बोलने का वो नहीं, बहुत अच्छा संगीत। हमारे उर्दू एकेडमी के पूरे एक्टिविटीज़ भी सही तरह से हर एक को भी उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए, हर एक शोरा कराम की भी हिम्मत अफजाई करते हुए उनको और हमारे प्रोग्राम चलने वाले हैं इंशाल्लाह। इस हमारे उर्दू एकेडमी का कारण जाम देने के लिए हमें कोशिश है और जल्द से जल्द हमारे प्रोग्राम हुआ है, जैसा कि इंडिपेंडेंस डे का भी प्रोग्राम जो हुआ था उसमें हमारे अलीम सबा नवीदी साहब की या और एक भी एक किताब का हिजरा भी हुआ था और उसमें भी इसमें मुबारक का जो नातिया मजमुआ था उन्होंने आज ये हमारे संगीत उर्दू एकेडमी ने मेरी किताब का इजरा किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बिलखसूस ना हमारे क्या है उनका नाम, हाँ नहीं नहीं हमारी क्या है हबीबा, ज्योति हबीबा का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने इत्तेहाद सबके सब, इसमें कोई मजहब मिलत का फ़र्क नहीं, आपस में सब भाई भाई की तरह इसमें थे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर जो है काम कम मिलता है मौका अकादमी चलाने का, क्योंकि हम रहमान जी के पास काम करते हैं और वहाँ से घर आने तक 5-6 बज जाते हैं कि उसके बाद में फिर किसी से जो है वो रابطہ करने के लिए उसके करने ऑफिस टाइम नहीं होता, फिर घरों में मिलना चाहते, इसलिए जो है इसका मामला कभी। सो मुझे तो तमिल म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, कर्नाटक म्यूज़िक बहुत पसंद है, फिल्मी गाने भी बहुत पसंद है, मैं तो कोशिश करती हूँ उनको गा सकूँ। उनका गाना बहुत अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीर खुसरो अकादमी का ये आजीजाना सलाम ले लो। सजी है शेरो सुखन की महफिल, सजी है शेरो सुखन की महफिल, वफूरे लुत्फे कलाम ले लो। जो कुछ दिल में है मेरे अब वो अर्ज़े हाल करती हूँ मैं अपने चाहने वालों का इस्तकबाल करती हूँ। बढ़ गई आपके आ जाने से घर की जीनत, देखो वीराने में किस शान से आई है बहार। मैं गुजारिश करती हूँ वो अपनी सीट पे हैं सदरे मोहतरम बाबा ए उर्दू तमिलनाडु हजरत अलीम सबा नवेदी साहब से, वो स्टेज पर ही शरीफ तशरीफ रखते रहे, उनकी वहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। इनकी गजल का एक मतला और एक शेर में आपकी नजर करती हूँ। इतनी जल्दी करो ना जाने की सांस रुक जाएगी जमाने की। वाह। इतनी जल्दी करो न जाने की सांस रुक जाएगी जमाने की। शेर मुलायजा फरमाइए। मैं तो मिटकर भी रोशनी दूंगा। साजिशें हैं मुझे मिटाने की। अजीज शोरा हसन फयाज साहब को मैं उन्हीं के अशारों से स्टेज पर आने की दरखास्त करती हूँ। अजीज कुछ शोरा हसन फयाज साहब। वाह बिल्कुल बिल्कुल। इनके कलाम को पेश करती हूँ। तोड़ कर अंबर से जो शमशो कमर ले जाएगा। वाह। तोड़ कर अंबर से जो शमशो कमर ले जाएगा, रोशनी का एक जहां वो अपने घर ले जाएगा। क्या बात है साहब। लूट कर दुनिया मेरी बेदाग घर ले जाएगा। मेरा सीना मेरा दिल मेरा जिगर ले जाएगा। क्या बात है सिर्फ। हम डॉक्टर मोहम्मद नईमुर रहमान साहब को मिस कर रहे हैं, तो आई सपोज उनके आने के बाद उनका इस्तकबाल करेंगे। वी आर इंडीड ऑनर्ड टू हैव विद अस
Mr. Taga Masayuki, Consul General of Japan. I request him to kindly join us on the stage. It's just this way, that way, whichever way you look, it's a stage. खुदा रखे सलामत इनकी अजमत और खिदमत को खुदा रखे सलामत इनकी अजमत और खिदमत को और इनके हक में रह रहकर दुआ दिल से निकलती है. दिस इज फॉर यू मिस्टर Masayuki. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग. यू नो हिंदी. आई समझते हैं. I would like to now acknowledge the presence of Maestro Suruji Chatterjee, an extraordinary personality with a magic wand to transform ordinary humans into extraordinary performers. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. मैं एक हम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और इस हम को हमारे तमिलनाडु के आसारी हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता बैनुल अक़वामी शायर बाबा उर्दू हजरत अलीम सबाद अलीदी साहब की यह हम है. मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ. समाप्त कीजिए. इस हम से पहले एक शेर को हमें अपनी जानिब से पढ़ रहा हूँ. इलाही सबके हाथों ऐसा कोई काम हो जाए. इलाही या सबके हाथों ऐसा कोई काम हो जाए यहाँ भी ना हो वहां भी इसी में सब जाए
Thank you.
हिसाब से ही उसकी पहचान हो जाती है। अब जैसे यमुन है, मेरे इतना से पहचान जाता है यमुन। क्या बताऊं? मुझे बड़ी खुशी हुई तो थोड़ा आप आ गया, थोड़ा आ गया, बोलिए। हाँ यस यस सर, थोड़ी ऊंची आवाज में। कैसे लगा सर आज का प्रोग्राम, कैसे महसूस हुआ आपको? नो कैसे बताऊं, मैं तो कुछ सिर्फ कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। और क्या, जैसे संगीत भी बहुत अच्छा, शायरी भी बहुत अच्छा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बाबा गुरु साहब ने वो बुक का वो प्रस्थान किया था ना। और संगीत तो बोलने का वो नहीं, बहुत अच्छा संगीत और उर्दू जबान की मिठास भी आपको। जी हाँ जी हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आप अलाहाबाद में हिंदी पढ़े हुए हैं? हाँ, आप अलाहाबाद में हिंदी पढ़े हैं और उर्दू हिंदी सब जबानें आप यहाँ पर जानते हैं, तो कैसे एक पैगाम आप देना चाह रहे हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, क्या मैसेज है आपका? नहीं, मैं जैसे गज़ल इसलिए मैं पसंद हूँ कि गज़ल तो वो जिंदगी और मोहब्बत के बारे में बताते हैं। तो मैं जैसे वो संगीत के द्वारा, शायरी के द्वारा जो सभी लोगों का वो मोहब्बत को बढ़ाने का बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर खुसरो संगीत एकेडमी में जो शिरकत करते हुए बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि आज की जो महफिल बड़ी अच्छी महफिल थी, जिसमें कौंसिल जनरल जो उर्दूदान हैं वो भी आए, और उसमें जापान के कौंसिल जनरल और उसके साथ हमारे बाबाए उर्दू जो हमारे तमिलनाडु के ऑल इंडिया के शख्सियत हैं, आप भी इसमें शिरकत किए हैं। तो अलीम सभा नवीदी साहब,
आपका भी जो इसमें हिजरा हुआ है किताब का, तो ये बहुत बड़ा मुबारक महफिल हुई है और मैं खुशामदीद देता हूँ इस संगीत अकेडमी के हर एक अहल अराकीन के जो ऐसे अच्छे सुनहरे महफिल को सजाए हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, आपने कई आपके किताबों पूरे उर्दू किताबों में हैं, उर्दू किताबों में इतने ख़जाना, एक इतना बड़ा ख़जाना है जो आपकी किताबों का, जिससे उर्दूदान लोग फैजान पहुंचा सकते हैं आने वाले नस्ल को, जैसा कि हमारे आबा और अजदाद जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी के साथ हमें तक पहुँचाए हैं, और हमारा फ़र्ज है कि हमें ऐसे बेहतरीन किताबें और जैसा कि उलमा दीन के किताबें जो हैं वो भी आने वाले नस्ल तक हमारा पहुँचाना हमारा फ़र्ज है। तो इसीलिए से उर्दू अकेडमी के तहत ऐसे प्रोग्राम क्या होंगे, होंगे जी, के लिए क्या मदद करेंगे आप होंगे जी? अभी अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मुका स्टालिन साहब जो हैं वो हमारे उर्दू के लिए काफ़ी मदद करने के लिए आगे आए हैं, और हमारे चेयरमैन जो हैं डॉक्टर पुनमुड़ी वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी उनके तरफ से भी पूरा ताउन देके इस बार इंशाल्लाह उर्दू अकेडमी के पूरे काम करने के लिए इंशाल्लाह कामयाबी के साथ हमें करने के लिए हमें मौका दिए हैं, और कल भी हमें मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, उनका पहला प्रोग्राम जो मिनिस्टर के साथ रख के करने के लिए आए हैं, और कई दिन से जो मेंबर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट जो था वो भी अब हमारा मेंबर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ साथ हमें आज जितने भी हमारे शोरा इकराम हैं उर्दू पोइट स्कॉलर्स और तमिल पोइट स्कॉलर्स को भी साथ लेते हुए हमारा जो कारवान इंशाल्लाह आगे चलने वाला है कि हमारे उर्दू अकेडमी के पूरे एक्टिविटीज़ भी सही तरह से हर एक को भी उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए, हर एक शोरा कराम की भी हिम्मत अफजाई करते हुए उनको और हमारे प्रोग्राम चलने वाले हैं इंशाल्लाह। कितने मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं सर, क्या नाम है? नहीं, हमारे मेंबर सेक्रेटरी का जो नाम है मिस्टर विवेकानंदन गुलके, जो सीनियर पर्सन हैं, वो अभी अभी हाल में अपॉइंट हुए हैं, और बाकी हमारे तो मेंबर्स 15 मेंबर्स हैं, वो 15 मेंबर्स के साथ हम रख के इस हमारे उर्दू अकेडमी का कारंजाम देने के लिए हमें कोशिश है, और जल्द से जल्द हमारे प्रोग्राम हुआ है, जैसा कि इंडिपेंडेंस डे का भी प्रोग्राम जो हुआ था उसमें हमारे अलीम सबा नवीदी साहब की या और एक भी एक किताब का हिजरा भी हुआ था, और उसमें भी अकेडमी ने जो है सालाना अवार्ड्स नहीं दिए हैं, नहीं इनामात नहीं दिए हैं अब तक, कितने सालों से ये सिलसिला बंद है तमिलनाडु में? ये सिलसिला 10 साल 12 साल तक बंद था, लेकिन अब जो शुरुआत हो गया है, हमने इंडियन इंडिपेंडेंस डे का दिन जो थे तमिल स्कॉलर्स को भी बुला के 10 तमिल स्कॉलर्स को भी और 10 उर्दू स्कॉलर्स को भी बुला के हमने अवार्ड दिए थे, और उनको हिम्मत अफजाई इज़्ज़त अफजाई किए ताकि हम लोग तमिल को भी साथ लेते हुए उर्दू के किताबें जो इतने मशहूर और मारूफ किताबें जो हैं उसे तमिल में भी ट्रांसलेट करते हो, तमिल के स्कॉलर्स को साथ मिल के भी और हमें काम करने के लिए कोशिश है। आज का माहौल वाकई रौनक अफजा जलवा अफरोज, बहुत अच्छा माहौल था आज का, नहीं सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि इसके अंदर संगीत की रूह भी फूंक दी गई थी, संगीत बहुत अच्छा संगीत था, और फिर हारमोनियम पर जो उंगलियां चल रही थी ऐसा होता था जैसा कि हम लोग है ना, हमारे जैसा हम लोग कागज़ पर उंगलियां फिराते हैं वैसा ये संगीत पर हारमोनियम पर उंगलियां फिरा रही थी लड़कियां, वाकई बहुत अच्छा महफिल, अच्छी महफिल है। अमीर खुसरो का कलाम, हालांकि अमीर खुसरो का कलाम मैंने भी पेश किया था, अमीर खुसरो का कलाम इतना कलाम है उनका, सब फारसी में है, और फिर वो क्या है उनका कलाम पूरा तसव्वुफ से भरपूर है हजरत, हम लोग नहीं समझ सकते, मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ अब तक मैं उनकी रूह तक पहुँचा नहीं, उनके कलाम की रूह तक नहीं पहुँचा, वाकई अमीर खुसरो है ना बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का, अमीर खुसरो नहीं होते तो ना निज़ामुद्दीन अवलिया होते और ना निज़ामुद्दीन अवलिया के ख़ास शाह ये हैं वो क्या, और इसके अलावा क्या है हमारे ये क्या हमारी संगीत
का जो ये सिलसिला चला हुआ है वो सिलसिला चला है ख्वाजा गरीबुन्नवाज से। आज खरीद दिन में ख्वाजा गरीबुन्नवाज नहीं होते तो ये सिलसिला नहीं चलता। आज ही नहीं बल्कि बरसों से ये संगीत का सिलसिला चला है और आइंदा भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। अमीर खुसरो ने क्या पैगाम दिया है? इंशाल्लाह अमीर खुसरो ने पैगाम तसव्वुफ का पैगाम दिया है भाई, बहुत बड़ा पैगाम तसव्वुफ का। और इससे उनके शागिर्द जो थे हमारे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजी निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे, उन्होंने भी वही तसव्वुफ का ही पैगाम दिया है। आज आपकी किस किताब का इजरा? मेरी आज की आज एक मुबारक किताब का इजरा हुआ। मुझसे नहीं कहना चाहिए मुबारक तो मैं नहीं कह सकता। इसमें मुबारक का जो नातिया मजमुआ था उन्होंने आज ये हमारे संगीत उर्दू अकेडमी ने मेरी किताब का इजरा किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बिलखसूस ना हमारे क्या है उनका नाम, हाँ नहीं नहीं हमारी क्या है हबीबा ज्योति हबीबा का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने हमारी मेरी किताब का इजरा करने के लिए। आज के अमीर खुसरो एकेडमी की तरफ से जो महफिल मुनक़द हुई थी वो बहुत बारौनक थी और इतनी दिलकश थी कि लोग है ना अपने अपने खुशियों पर बिल्कुल चिमटे हुए थे, हरकत नहीं कर रहे थे, इतना मज़ा ले रहे थे, इतना मसरूर हो रहे थे तमाम अहबाब। बहुत बारौनक महफिल थी, ऐसी महफिलें मुनक़द होती रहनी चाहिए क्योंकि इसमें आपसी बिरादरी का भी यह है। टेक्नीशियन बोलते हैं ना आप बैनुल मेरे इंतेहाद, सबके सब इसमें कोई मज़हब मिलत का फ़र्क नहीं, आपस में सब भाई भाई की तरह इसमें थे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं मुन्ना शौकत अली हूँ। ये संगीत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अली के नाम से जो हमने इसका इनकाद किया है ये 2002 में हमने इसकी बुनियाद रखी क्योंकि मैं बेंगलोर से मद्रास शिफ्ट होने के बाद और यहाँ का जो माहौल मद्रास का देखा, कम से कम 400 सभाएं यहाँ पर संगीत की थी, है अब भी। तो यहाँ कहीं भी ज़्यादा हिंदुस्तानी क्लासिकल का एक ये नहीं था, रिवाज नहीं था। और यहाँ पर जो है ज़्यादा वो कर्नाटिक संगीत की तरफ ही ज़्यादा लोग मायल थे। तो मतलब जो हम चाहते थे एक माहौल जो है कि ये माहौल जो है मुझे ज़रा कम दिखाई दे रहा था यहाँ मद्रास में, इसलिए मैंने ये सोच कर चंद मेरे दोस्तों के मशवरे से जो है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमने ये अकाडमी 2002 में हमने इसको कायम किया। और इसके सबसे पहले जो है अब इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम किसी आर्टिस्ट को बाहर से बुला कर जो है पहला जो है इसके इफ्तिताह में गवाएँ, तो मैं ही गा चुका। उसके दूसरे कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों बाद में जो है एक साल का अरसा भी ना गुजरने पाया कि हमें बिस्मिल्लाह खान साहब को हमने काउंट आउट किया। वो 10-12 आदमी के साथ में वो अपने बनारस से आए और यहाँ पर जो है म्यूज़िक अकाडमी में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। और जिसके चीफ गेस्ट AR रहमान साहब थे और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। बहुत सारे यहाँ के जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े बहुत ही मशहूर सिंगर्स हमारे इस बिस्मिल्लाह खान के इस कॉन्सर्ट में शामिल रहे। उसके बाद से जो है इसका सिलसिला चलता रहा। बस हमारा एक मकसद था और मकसद अब भी है कि हम जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो अब सीनियर हैं वो गा नहीं पाते, ये कुछ बजा नहीं पाते तो किसी वजह से भी, तो फिर हमने ऐसे आर्टिस्टों को या मदऊ करते हैं और उसके बाद में जो है उनकी एक माली इमदाद जो है जितना हो सकता है हमसे अकाडमी के जानिब से हम उनको कवर की शक्ल में दे देते हैं। बस इस तरह सिलसिला चल रहा है। माली मदद किस तरह
हुकूमत से मिलती है कैसे? जी नहीं नहीं, हुकूमत से नहीं, हम अपने अकाडमी की जानिब से ही उनको जो है, वैसे कुछ उससे कुछ उनका कुछ बनता नहीं है, लेकिन क्या है कि उनकी हौसला अफजाई होती है कि इसकी वजह से जो है अकेडमी में कितने मेंबर्स हैं? इसके से अकेडमी के बैरस हम जो है मेंबर 6 आदमी, उसमें से अभी जो जिक्र हुआ सज्जाद बुखारी जो थे, अभी 4-6 साल के पहले उनका इंतकाल हुआ, वो हमारे सेक्रेटरी थे, और एक अहमद बादशाह जो प्रोफेसर जमाल मोहम्मद जमाल कॉलेज में वो अपनी ड्यूटी जो है कर रहे थे, उनका भी इंतकाल कोरोना के दौर में हुआ, और यूनस नाम के एक आदमी भी वहाँ रहते हैं इसमें चेन्नई इसमें तिरुचनापल्ली में, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक शमसुद्दीन जो हैं वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हबीबा जो है हबीबा खुसरो जो है ज्योति नाम के नाम में, ज्योति हबीबा भी इससे नाम भी पहचानी जाती हैं, हबीबा खुसरो के नाम से पहचानी जाती हैं, और वो सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के हिसाब से, उसके बाद में अब सेक्रेटरी नहीं हो वही काम अंजाम देती हैं। बहुत सारे ऐसे माली हमको भी अकाडमी के तरफ से, अकाडमी को कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं होता है, मदद नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी हम इस कायम ये अकाडमी को कायम रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे हम सिंगरों को बुलाने का, जैसे सूफी कव्वाली राजस्थानी साबरी, असद साहब असद इरफान साबरी, ग़ुलाम नियाज, और जैसे पाकिस्तान के शफकत अली जो सलामत अली खान साहब के फर्जंद हैं, जो सारी दुनिया में उनका नाम है, ऐसे बड़े बड़े फनकारों को हमने यहाँ मौका दिया, और बस यहाँ पे जब सिलसिला जारी है, और जब से हमने मेरा नाम मुन्ना शौकत अली है, तो इसलिए यहाँ पर जो है काम कम मिलता है मौका अकाडमी चलाने का, क्योंकि हम रहमान जी के पास काम करते हैं, और वहाँ से घर आने तक 5-6 बज जाते हैं, कि उसके बाद में फिर किसी से जो है वो राबता करने के लिए उसके करने ऑफिस टाइम नहीं होता, फिर घरों में मिलना चाहते, इसलिए जो है इसका मामला कभी। मेरा नाम है जी ज्योति हबीबा खुसरो, एंड हमने ये इदारा 2002 में शुरू किया था, और मुन्ना शौकत अली प्रेसिडेंट हैं, और मैं सेक्रेटरी, उस वक्त मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी क्योंकि काम वाम मैं ही करती थी, अब क्योंकि सज्जाद भाई नहीं रहे तो आई एम डूइंग हिज वर्क, एंड हमारा मेन पर्पस ये था उस ज़माने में साउथ इंडिया में सिर्फ कर्नाटक म्यूज़िक ही चलता था, तो हम लोग चाहते थे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल को पेश करें, और हमको गाने का शौक़ था, गा नहीं सकते एटलीस्ट लोगों का अच्छा गाना तो सुन सकते हैं, सो उसको मद्देनज़र रख के हमने इस अकेडमी को शुरू किया, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द वेरी सीजन गुड सिंगर्स एंड ऑल्सो टू द अपकमिंग सिंगर्स। सो हमने उसमें बहुत सारे लोगों को पेश किया, जैसे कि मैंने बताया था कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब आए, उन्होंने शहनाई बजाई, और फिर शोभना नारायण ने कथक किया, और सब बड़े बड़े लोग उस वक्त हमारे पास, हम म्यूज़िक अकेडमी वगैरह में प्रोग्राम करते थे, बट यू नो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट कैन नॉट वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप, विच वॉज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू कलेक्ट बिकॉज हम लोग वर्किंग पीपल थे। सो हमने ऐसा करके अब हमारा ये छोटा सा हॉल जो कि हमें मेरे सन इन लॉ की ग्रैंड मदर ने कहा कि तुम यूज़ कर लो, सो वी हैव गॉट लिटिल प्लेस नाउ। तो इसमें हमने दो चीज़ें कायम की थी, एक तो कि हम हिंदुस्तानी क्लासिकल को और रिलेटेड जॉनर्स को बढ़ाएंगे, जैसे कि कवाली है, गज़ल है, हिंदुस्तानी क्लासिकल है, और दूसरा हमने ये कहा था कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे टू एनीबडी डिस्टिंग्विश्ड इन देयर फील्ड, जैसे कि डॉक्टर चेरियन जो कि बहुत ही बड़े दिलदार डॉक्टर थे, वो किसी से पैसा भी नहीं लेते थे, हमने उन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, आर्टिस्ट वैजयंती माला बाली को, एजुकेशनिस्ट YGP को वगैरह, और बहुत से लोगों को हमने N. राम, वो अपने फील्ड में सबसे टॉप पे हैं, और इसी तरीके से मिस्टर AR रहमान को जो कि सबसे बड़े कंपोज़र और म्यूजिशियन हैं, और MS विश्वनाथन को जो कि अपने वक़्त के बहुत ही कामयाब कंपोज़र थे, और इस तरह हमने बहुत लोगों को इसमें अपने साथ ले लिया, जैसे शुरू हम बहुत 3-4 लोगों से, काफ़ी लोग पार्ट ऑफ अस हो गए, हमारे साथ चले, जैसे कि किरण बेदी भी हमारे
इस दायरे में है, इदारे में। और क्या है, जो अभी रिज़र्व बैंक के RBI के चेयरमैन हैं वो भी हमारे मेंबर थे जब मद्रास में थे। सो इस हिसाब से हमने काफ़ी बड़ा उस वक़्त कर लिया था, पर अब आते आते हमारी महफिलें छोटी हो गई, पर फिर भी वी आर सो हैप्पी दैट कई लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और वो आए। एंड फिर तीसरा हम ये कर देख रहे थे कि जितने भी एजड आर्टिस्ट हैं, जब उनकी कमा नहीं सकते तो वी वांटेड टू प्रोवाइड देम यू नो मॉनेटरी सपोर्ट सो दैट दे कैन फेंड फॉर देमसेल्व्स, यू नो दे कुडंट फेंड फॉर देमसेल्व्स। की सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो जारी हैं जी। तो आप बेसिकली आप दिल्ली वाली हैं, तो यहाँ पे चेन्नई से कैसा ताल्लुक पैदा? बहुत दूर दराज। हाँ जी, बहुत बरसों पहले मेरे हस्बैंड इस स्टेट को अलॉटेड थे, ही वाज इन पुलिस, सो NIPS ऑफिसर अलॉटेड टू तमिलनाडु काडर। क्या नाम? KP जैन। उस ज़माने में मैंने यहाँ पे काम भी करना शुरू किया, बिलोंग टू द तमिलनाडु एजुकेशन सर्विस, सो आई बिकेम जॉइन द तमिलनाडु एजुकेशन सर्विस एंड स्टार्टेड वर्किंग इन मेनी कॉलेजेस। फाइनली प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैं लास्ट थी, और फिर जब AR रहमान सर ने अपना कॉलेज शुरू किया, उन्होंने मेरा कार्ड देखा एक फंक्शन पे, हमने उनको चीफ गेस्ट बना के बुलाया था, वो कहते हैं आप MA इंग्लिश, आप PhD है इंग्लिश में, तो आप यू कम एंड वर्क फॉर मी। सो उस तरीके से फिर मैं उनके साथ काम करने लगे 2008 से। महफिलें जो है, पहले बड़ी महफिल जम देती है, क्यों छोटी हो गई है? असल में हमारी अपनी महफिल तो छोटी नहीं हुई, पर क्या कि अगर हम म्यूज़िक एकेडमी उस ज़माने में अगर 45,000 में थी, अब वही हॉल 1 लाख या 2 लाख में है, विदाउट स्पॉन्सरशिप कितनी दफ़ा आदमी कर सकता है? जब सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान साहब आए, उनकी फ़ीस 4 लाख थी, तो हम टिकट इतनी नहीं बेच पाए, हमने अपने हाथों से 1.5 लाख लगाया। अब हर दफ़ा तो भाई ऐसे, उस ज़माने में हम बहुत एंथुजियास्टिक थे, हर महीने हम एक हिंदुस्तानी क्लासिकल का प्रोग्राम करते थे, जो मैंने इतने, हमने कोई 45 प्रोग्राम किए होंगे, काफ़ी ज़्यादा अब तक। तो स्पॉन्सरशिप क्यों आप नहीं लेते? स्पॉन्सरशिप लेना बड़ा मुश्किल है, हमें खुद नहीं पता कैसे लेते हैं, बिकॉज़ यू सी यू हैव टू, अर्लियर ना बैंक्स देते थे कोई 25,000-30,000, अब वो कहते हैं दे डाइवर्ट देयर मनी टू एजुकेट यंग पीपल, सो ऑल्सो हुकूमत से मदद मिलती है? बिल्कुल नहीं, हमने हुकूमत को कभी अप्रोच भी नहीं किया, पर एक ज़रूर है कि जब DMK का रूल था लास्ट टाइम, तो उस ज़माने में ना ये वहाँ क्या कहते हैं पार्क्स में कॉन्सर्ट्स करते थे, तो हमको बहुत चांस मिला गाने का, मुन्ना जी और मुझे, उस ज़माने वो हमें 60,000 दिया करते थे, सो इट वाज़ ए बिग थिंग, हमने कहा हमेशा DMK लिए वोट देंगे। मोहतरमा ये बताइए कि यहाँ पर जो है तमिल ज़बान का गलबा है, तमिल ज़बान का ज़्यादा असर और रसूख है, तो इस असर के तहत आप किस तरह यहाँ पे काम करती हैं? उर्दू ज़बान भी फ़र्व होती है आपके ज़रिए, हिंदी का भी जो है फ़र्व होता है आपके? देखिए जी, जहाँ म्यूज़िक का सवाल है, लैंग्वेज तो कोई लैंग्वेज तो म्यूज़िक ही लैंग्वेज है एक ज़िंदगी की। सो मुझे तो तमिल म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, कर्नाटक म्यूज़िक बहुत पसंद है, फिल्मी गाने भी बहुत पसंद है, मैं तो कोशिश करती हूँ उनको गा सकूँ, उनका उनका एक गाना बहुत अच्छा है, उनका दवाली करेक्ट नहीं बोल रही इसलिए मैं नहीं बता रही, बट आई वुड लव टू सिंग तमिल सॉन्ग्स। जब पहले बहुत साल पहले मैं आई, तो हमने एक पिक्चर देखी थी पद्नार वायदनल, उसमें भी बड़े अच्छे गाने थे, एक इलेराजा सर का भी बहुत अच्छा गाना, मैंने कोशिश की गाने की। सो म्यूज़िक है, उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तमिल भी बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड इट्स गॉट सच गुड म्यूज़िक, कर्नाटक भी और फिल्मी भी, हो कन्नड़ा हो उर्दू हो जी या हिंदी हो, तमाम जो ज़बानें हैं वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जी, लैंग्वेज तो मोहब्बत की लैंग्वेज होती है, आप जिस भी लैंग्वेज में इजहार कर सको अपनी तमन्नाओं का, अपनी खुशियों का, वो उस रोल उस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो जाते हो जी। तो यही पैगाम आखिर में है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमने ये जो शुरुआत की है यहाँ पे, हमने जो ये शुरुआत की है यहाँ पे इस अकेडमी की,
हम इसको कंटिन्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें और हमें थोड़ा कहीं से हेल्प मिले तो इट्स विल बी वेरी नाइस. वी विल ऑलवेज एनी वे हम तो करते ही रहेंगे छोटे बड़े प्रोग्राम.